हेलो गाइस, आप देख रहे हैं क्लैश विद संदीप। एंड आज के वीडियो में यहां पर मैं क्लैन वॉर 2 के बारे में बातें करूंगा। एंड वीडियो के लास्ट में यहां पर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी दूंगा इस अपडेट के ऊपर, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल फाइनली क्लैन वॉर 2 का अपडेट रिलीज हो गया एंड इसमें हमें काफ़ी सारे न्यू चीज़ें देखने को मिला, जैसे कि जो हमारा क्लैन चैट था इसको अभी एक फ्रेश लुक दे दिया गया है। एंड जो हमारा क्लैन मेन्यू था इसको भी एक फ्रेश लुक दे दिया गया है। एंड जो हमारा 3 डेली गिफ्ट एंड क्वेस्ट था इसको अब रिमूव कर दिया गया है। तो इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि क्लैन वॉर 2 के बारे में। क्लैन वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आपको टोटल 4 डेक्स बिल्ड करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर ये जो चारों डेक्स होंगे, आपको इन चारों डेक में एक ही कार्ड एक बार ही यूज़ करना है। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर एक कार्ड एक डेक में यूज़ कर लिया है, देन आप सेम कार्ड को दूसरे डेक में यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर इन चारों डेक की मदद से ये जो रिवर टास्क है इनको कम्प्लीट करना है। एंड यहाँ पर जैसे आप कोई भी डेक यूज़ कर लेंगे, देन आपका ये जो पर्टिकुलर डेक है ये कूल डाउन में चला जाएगा, यानी कि आप उस डेक को अगेन 24 आवर बाद ही यूज़ कर पाएंगे। रिवर रेस में फर्स्ट आने के लिए यहाँ पर आपको फेम चाहिए होगा। जितना ज़्यादा फेम आपके क्लैन के पास होगा उतना ज़्यादा फास्ट आपका बोट मूव करेगा। एंड यहाँ पर ये जो फेम है ये आपको रिवर टास्क से मिलेगा। इसका मतलब आप जितना ज़्यादा यहाँ पर रिवर टास्क में बैटल वॉन करेंगे उतना ज़्यादा फेम आपको मिलेगा। आप यहां पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं रिवर रेस के रिवॉर्ड्स। एंड अगर आप रिवर रेस में फर्स्ट आते हैं, देन आपको यहां पर एक गारंटीड लेजेंडरी कार्ड मिलेगा। एंड यहां पर अगर आप सेकंड आते हैं, देन आपको ये वाला रिवॉर्ड मिलेगा। एंड यहां पर आप बाकी के रिवॉर्ड्स भी देख सकते हैं। ये होने वाला है लीडर बोर्ड। यहाँ पर जाके आप अपने क्लैन का रैंक देख सकते हैं रिवर रेस में। एंड यहाँ पर आप अपने एंड अपने ओपोनेंट का क्लैन एंड उसके बोट को भी देख सकते हैं। क्लैन वॉर 2 में बोट बैटल को ऐड किया गया है। इसका मतलब आप अपोनेंट के बोट पर अटैक कर सकते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर आपको अपना डिफेंस सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अपना 3 डिफेंस ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर ये जो तीनों डिफेंस है इसमें आपको एक कार्ड एक ही बार यूज़ करना है। एंड बाकी के जितने भी मेरे मेंबर्स हैं क्लैन के, इन्होंने भी अपना जो डिफेंस है वो सेलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर आपको एक टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप बेसिकली एक टाइप से अपना जो वॉर डेक है वो अपने क्लैन मेंबर के डिफेंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अपडेट में यहाँ पर एक ट्रेडर को भी ऐड कर दिया गया है, जहाँ पर जाके आप कार्ड्स को ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको कार्ड्स ट्रेड करने के लिए टोकन्स की ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस अपडेट में हमें एक फ्रेश क्लैन चैट देखने को मिला है। एंड काफ़ी सारे प्लेयर्स को ये जो क्लैन चैट है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड हमें यहाँ पर एक फ्रेश क्लैन मेन्यू भी देखने को मिला है। एंड यहाँ पर ये जो क्लैन मेन्यू है ये भी काफ़ी सारे प्लेयर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको ये जो न्यू क्लैन चैट है ये कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये जो अपडेट है ये मेरे को कैसा लगा। तो सीज़न 9 में हमें फर्स्ट स्नीक पीक देखने को मिला था इस अपडेट का, देन तब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड जब यहाँ पर टीवी रॉयल का 2 एपिसोड रिलीज हुआ क्लैन वॉर 2 का, तब मेरे को लगा कि ये जो अपडेट है ये अभी तक का बेस्ट अपडेट होने वाला है। बट जैसे यहाँ पर टीवी रॉयल का 3रा एपिसोड यानी कि Q&A वाला एपिसोड रिलीज़ हुआ, तब मैं यहाँ पर समझ गया कि जो इसका मैच मेकिंग है ये लैडर के जैसा होने वाला है। एंड जब मैंने कल यहाँ पर क्लैन वॉर 2 का फर्स्ट बैटल प्ले किया, तब मेरे को पता चल गया कि जो इसका मैच मेकिंग है ये तो लैडर से भी घटिया निकला। क्योंकि यहाँ पर मैं कल सारा बैटल हार गया, क्योंकि मेरे सामने यहाँ पर मैक्स लेवल के अपोनेंट आए थे विथ मैक्स लेवल कार्ड्स। क्लैन वॉर 2 का मेन प्रॉब्लम इसका मैच मेकिंग है। लिटरली जो इसका मैच मेकिंग है ये तो लैडर से भी घटिया निकला। एंड मेरे को नहीं लगता कि जो इसका मैच मेकिंग है ये कभी भी फिक्स होगा, क्योंकि डेवलपर तो आज तक कभी भी लैडर का मैच मेकिंग फिक्स नहीं कर पाए, तो ये लोग क्लैन वॉर का क्या घंटा मैच मेकिंग फिक्स करेंगे। बेसिकली क्लैन वॉर 2 फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि जो फ्री टू प्ले प्लेयर्स रहते हैं उनके पास ज़्यादातर मैक्स लेवल के कार्ड नहीं होते हैं। कल क्लैश 12 के गेम डिज़ाइनर ने यहाँ पर एक ट्वीट किया था। एंड इस ट्वीट में इन्होंने लिखा था कि अगर आप बैटल हारते भी हैं देन आपको यहाँ पर तब भी टन्स ऑफ गोल्ड मिलेगा। एंड उस गोल्ड के साथ आप यहाँ पर अपना जो डेक है उसको मैक्स लेवल कर सकते हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो यहाँ पर मैं सेथ को एक बात बोलना चाहता हूँ
कि एक फ्री टू प्ले प्लेयर अपना 7 से 8 महीना मैक्सिमम बैटल हारते हुए गुजारे बस कुछ डेक्स को मैक्स करने के लिए। इसका मतलब फिर मज़ा किस बात पे आएगा यार? मज़ा तो तब आता है जब आप बैटल वॉन करते हो, जब आपके सामने यहाँ पर एक मैक्स लेवल का नूब आए एंड वो बैटल इसलिए जीतेगा क्योंकि उसके पास मैक्स लेवल का कार्ड होगा, देन आपको तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि आप मतलब जीतना डिजर्व करते हो बट यहाँ पर आप इसलिए हार रहे हो क्योंकि आपके पास मैक्स लेवल का कार्ड नहीं है। एंड यहाँ पर आप लिटरली अपना 7 से 8 महीना बस एक कार्ड को मैक्स करने में ही बिता दोगे, देन भाई मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना यार यहाँ पर। तो यहाँ पर बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे गेम डिज़ाइनर है अगर वो यहाँ पर लेवल कैप ऐड कर दे देन ये जो अपडेट है ये और भी ज़्यादा मस्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देन आपको ओवर लेवल प्लेयर फेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सबके कार्ड लेवल सेम होंगे। तो कमेंट करके बताइए आपको क्लैन वॉर 2 का अपडेट कैसा लगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।